हम लोग लास्ट क्लास में ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में एक्सटी ग्राफ पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने एक्सटी ग्राफ कवर करा था, उसके न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो चलिए आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 20, जिनके पास असाइनमेंट नहीं है बिल्कुल चिंता ना करें, मैं पूरा सवाल यहाँ लिखूँगा, पूरा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ज़रा, 20 नंबर में कह रहे हैं पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसके लिए एक्सटी ग्राफ दिखाया गया है। कह रहे हैं फाइंड टोटल डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड। ध्यान देना, हमें जो एक्सटी ग्राफ दिया गया है वो कुछ ऐसा है, हमें पार्टिकल की पोजिशन टाइम के साथ दिखाई गई है और वो ग्राफ ऐसे बनाया गया, ऐसे ऐसे बनाया गया। यहाँ पे लिखा है 2 सेकेंड, यहाँ पे लिखा है 8 सेकेंड और यहाँ पे लिखा है 10 सेकेंड। हमसे कह रहे हैं पार्टिकल का डिस्टेंस बताना 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच में और यहाँ पे लिखा है 10, राइट। तो हमें बताओ पार्टिकल की टोटल डिस्टेंस पूछी है कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। तो ध्यान से देखना, हम इस पार्टिकल से, इस ग्राफ से उस पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सवाल में कहा गया है टी बराबर जीरो पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर हम पहली बार देखा पार्टिकल को टी बराबर जीरो पर, तो वो देखो एक्स बराबर जीरो पे था, ओरिजिन पे था। पहले 2 सेकंड में वो बताओ एक्स बराबर 10 पे पहुंच गया, तो बताओ पहले 2 सेकंड में वो एक्स बराबर 10 पे पहुंच गया ऐसे। ये टी बराबर 2 पर उसका फोटो है एक्स बराबर 10 का, ठीक। अच्छा, वो यहाँ से यहाँ तक कितनी वेलोसिटी लेके गया, कितना एक्सेलरेशन लेके गया, अगर हम ये कहें तो बताओ एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता था, मैंने बताया था डी एक्स वाई डी टी वेलोसिटी। तो बताओ 0 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी होगा डी एक्स अपॉन डी टी और वो होगा बेटा 10 थीटा। तो यहाँ बताओ 10 थीटा की वैल्यू 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस का। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर प्लस 5 मीटर पर सेकेंड आ रही है और ये कांस्टेंट आ रही है। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि बताओ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट। तो ये बेटा कांस्टेंट, और अगर बताओ किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना, 0। तो पहले 2 सेकेंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली। अब देखना 2 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड तक, देखो टी बराबर 2 पर एक्स कितना 10, 2 बराबर 3 पर एक्स कितना 10, टी बराबर 5 पे एक्स कितना 10, 8 सेकंड पर भी एक्स कितना 10। यानी टी बराबर 2 सेकंड से टी बराबर 8 सेकंड तक वो पार्टिकल यहीं पे रुका हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब वो मूव नहीं कर रहा है इतनी देर तक। यानी अगले जो 6 सेकंड है, इस सेकंड तक उस पार्टिकल ने आराम फरमाया, वो रेस्ट पे रहा, वो वहाँ पे रुक गया थोड़ी देर के लिए, 6 सेकंड के लिए वहीं पे खड़ा हुआ है। वो चाहो तो तुम चेक कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ जो स्लोप होगा, जिसका नाम वेलोसिटी, वो 0 आ रही है। यानी बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0। और वो पार्टिकल 2 सेकंड से 8 सेकंड तक रेस्ट पर देखा गया, तो मैंने बोला 2 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक वो यहीं पे खड़ा हुआ है, रेस्ट पर है। अब देखना बेटा 8 सेकंड के बाद, यहाँ देखो एक्स बराबर 10 है और 10 सेकंड पे बताओ एक्स बराबर 0 है। तो अब ये पार्टिकल देखो 8 सेकंड पर यहाँ था, ये था एक्स बराबर 10, 8 सेकंड पे यहीं था। अब बताओ वो वापस हुआ ऐसे और टी बराबर 10 सेकंड पर वो वापस बताओ एक्स बराबर 0 पे आ गया, फिर से वो ओरिजिन पे लौट आया। तो बताओ ये पहले गया कितना 10 मीटर और फिर बताओ थोड़ी देर के लिए आराम किया और फिर लौटा कितना 10 मीटर। अच्छा, जब लौटा तो कहा जाए कितनी वेलोसिटी से लौटा, तो बताओ स्लोप, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक ये एंगल आएगा हमारा थीटा, 10 थीटा हम यहाँ कर लेंगे। लेकिन अगर हमें ये एंगल नहीं समझ में आ रहा तो आप ये अल्फ़ा ले लो क्लॉक वाइज और इसका ले लो -10 अल्फ़ा। तो मैं तुमसे कहूँ 8 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में जो वेलोसिटी होगी वास्तव में, तो वो ये 10 थीटा होना चाहिए, तो हमें लिखना चाहिए 10 थीटा। लेकिन अगर हमें एंटी क्लॉक एंगल नहीं समझ में आ रहा है तो आप 10 अल्फ़ा ले लो, लेकिन बाहर क्या लगेगा, माइनस।
तो माइनस टेन अल्फा, तो माइनस टेन अल्फा बताओ ये कितना, टेन, ये कितना टू, तो ये बताओ टेन बाई टू माइनस का फाइव मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी अगर माइनस है मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, और कितनी स्पीड से जा रहा है, फाइव मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और इस माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड मैंने एरो बना दिया है। तो चलो देखो भाई, और ये वेलोसिटी बताओ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो सवाल एकदम पूरा क्लियर, इस ग्राफ का मीनिंग क्लियर हुआ कि 0 से 2 सेकंड तक कोई पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर 10 तक गया, 10 मीटर राइट गया, और अगले 6 सेकंड वो यहाँ पे आराम करा, यहीं रुक गया। फिर अगले बताओ 2 सेकंड के लिए t बराबर 8 से t बराबर 10 में वो x बराबर 10 से x बराबर 0 में 10 मीटर वापस आया। तो अगर कोई हमसे कहे इन 10 सेकंड, कोई हमसे कहे इन 10 सेकंड बताइए डिस्प्लेसमेंट, कोई कहे डिस्प्लेसमेंट, कोई हमसे कह देता तो बताओ आंसर क्या होता, 10 मीटर जाना वहाँ खड़े रहना और 10 मीटर वापस आना, डिस्प्लेसमेंट 0, राइट। या फिर तुम एक काम और कर सकते थे, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप सीधा बोल दो डिस्प्लेसमेंट सर आपने सिखाया था डेल्टा एक्स, और ये होता था एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो बताओ एक्स फाइनल, यहाँ पे बताओ x की वैल्यू कितनी है 0, और इनिशियल x भी कितना है 0, तो फाइनल x माइनस इनिशियल x ये 0 ही आएगा। लेकिन अब बताओ अगर कोई कहे डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ कि वो पार्टिकल कितना चला। तो बताओ पहले कितना गया 10 मीटर, वापस कितना 10 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस 10 मीटर जाना 10 मीटर आना, ये हमारा बताओ 20 मीटर, राइट ये आ गया 20 मीटर डिस्टेंस। कोई हमसे इसी सवाल में कहते था एवरेज वेलोसिटी बताओ, बताओ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो बताओ ये 0 है तो ये बताओ आंसर 0 हो जाता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। कोई हमसे इसी सवाल में कहते एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड, तो बताओ बेटा ये सिंबल एवरेज स्पीड का, ऊपर लिखते थे टोटल डिस्टेंस और नीचे लिखते थे टोटल टाइम। तो बताओ डिस्टेंस कितना 20 मीटर, टोटल टाइम कितना 10 सेकेंड, तो आंसर होता 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाता पार्टिकल की एवरेज स्पीड, राइट। तो हमसे कुछ भी पूछे हैं हम बड़े आराम से बता सकते हैं, बल्कि हमको तो ये तक जानकारी हो गई कि पहले 2 सेकंड में पार्टिकल 10 मीटर राइट साइड यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से गया, अगले 6 सेकंड तक वो x इक्वल टू 10 पे खड़ा रहा और उसने वेलोसिटी 0 कर ली, और वो रेस्ट पे रहा अगले 6 सेकंड, और फिर बताओ 8 से 10 सेकंड में अगले 2 सेकंड में वो पार्टिकल बैक हुआ और x बराबर बताओ 10 से वापस x बराबर 0 पे आ गया और यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट साइड लेकर के आया। हमें इस सवाल में पूरी जानकारी है, राइट। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए जरा 25 नंबर बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। हमको y एक्सिस पर, यहाँ पे y एक्सिस पर उन्होंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, तो एक काम करें इसको सीधा x बोल दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पे उन्होंने टाइम दिखाया है t। बताइए दो पार्टिकल के लिए उन्होंने एक्स टी ग्राफ दिखाया है, उन्होंने एक लाइन ऐसे बनाइए रेफरेंस लाइन जिसका एंगल 45 डिग्री है टाइम एक्सिस से। पार्टिकल ए का ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ऐसे, इस लाइन से 15 डिग्री नीचे, ये पार्टिकल ए का ग्राफ है,
और पार्टिकल बी का ग्राफ इस लाइन से 15 डिग्री ऊपर, ये पार्टिकल बी का ग्राफ है। हमसे कह रहे हैं कि पार्टिकल ए और पार्टिकल बी की वेलोसिटी का क्या रेशियो होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सवाल बहुत आसान है, बता बेटा कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो बताइए हम एक काम करें, पार्टिकल ए की वेलोसिटी, तो देखो हम अलग से समझा दें जरा। अगर हम एक एक करके देखें एक्सटी ग्राफ, तो पार्टिकल ए का ग्राफ कुछ ऐसा, बताओ ये पूरा एंगल 45, उसमें से 15 कम कर दो तो पार्टिकल ए का ग्राफ 30 डिग्री पर है, राइट। तो बताओ पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी होगी, बताओ वो डी एक्स अपॉन डी टी, जिसे हम बोलेंगे 10:30 एंटी क्लॉकवाइज एंगल, और ये होगा 1/√3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बताओ क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यस, क्योंकि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप मैंने बताया था कल कांस्टेंट होता है। सिमिलरली जो पार्टिकल बी है उसका एक्सटी ग्राफ हम उसी में से दिखा रहे हैं कुछ ऐसा, और ऐसा बताओ इस 45 वाली लाइन से 15 डिग्री ऊपर, यानी बताओ कितना एंगल, 60 डिग्री, और ये हमारा पार्टिकल बी। तो पार्टिकल बी की जो वेलोसिटी होगी, बताओ वो टेन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंगल 60 डिग्री, तो ये बताओ आएगा √3 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे कह रहे हैं पार्टिकल ए और पार्टिकल बी की वेलोसिटी का रेशियो बताओ, तो एकदम आसान, 1/√3/√3, ये हो जाएगा 1/3, ये आंसर। सवाल बिल्कुल दम नहीं है, एकदम आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। सवाल में कह रहे हैं फिगर शोज ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, कोई पार्टिकल एक्स के अलोंग जा रहा है, हमने उसकी पोजीशन टाइम के साथ दिखाई है। हमसे कह रहे हैं फाइंड, देखो हम ग्राफ दे रहे हैं और हमसे उसमें पूछ रहे हैं फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t=0 to t=6 seconds, और हमसे कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है एट t=3 seconds। तो देखना कितना आसान है ग्राफ हम आपको देने जा रहे हैं, हमको जो ग्राफ दिया है वो कुछ ऐसा है बेटा, ये एक्सटी ग्राफ हमको दिखाया है और वो ग्राफ कुछ ऐसा, यहाँ पे लिखा है 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखा है 10 मीटर, यहाँ पे लिखा है 4 सेकेंड, और यहाँ पे लिखा है 20 मीटर, और ये टाइम है 5 सेकेंड, और इसके बाद ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज करा, और ये 6 सेकेंड। हमको 0 से 6 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछी है और t=3 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है। सवाल एकदम क्लियर होना चाहिए, ये एक्सटी ग्राफ दिया है और ये हमारे दो सवाल हैं कि एक तो एवरेज वेलोसिटी बताओ 0 से 6 सेकेंड के बीच में, और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ एट t=3 सेकेंड। तो बहुत आसान, सबसे पहले पहला पार्ट कर रहे हैं, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, बताओ फाइनल पोजीशन। तो बताओ टी 0 से t6 के बीच में बात करी गई है, तो बताओ t=6 पर एक्स कितना है, 0, तो बताओ फाइनल एक्स 0, इनिशियल एक्स 0, देख लो t=0 पर भी एक्स, देखो t=0 पर एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखो एक्स 0 है, और t=6 पर एक्स 0 है,
इसका क्या मतलब है, पार्टिकल टी बराबर जीरो पे ओरिजिन पे था और टी बराबर सिक्स सेकेंड पर फिर ओरिजिन पे आ गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट जीरो अपॉन टाइम फाइनल सिक्स, इनिशियल जीरो, तो ये जीरो आंसर, एवरेज वेलोसिटी जीरो। अब सेकेंड पार्ट, एट टी इक्वल टू थ्री हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वो होगा dx upon dt स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो t इक्वल टू थ्री देखो बेटा यहाँ कहीं बढ़ेगा, t इक्वल टू थ्री पर हम ग्राफ में गए, यहाँ पहुँचे, ग्राफ ये है, बताओ यहाँ जो स्लोप होगा dx upon dt जिसका नाम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या वो टेन जीरो होगा, तो क्या ये आंसर जीरो आएगा? यस, यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह बताओ स्लोप क्या है, जीरो। तो आपको तो ये तक कह देना चाहिए कि जब हमारा टाइम वन से लेके फोर सेकंड के बीच में है, कोई भी टाइम हो, चाहे वो टी बराबर टू हो, चाहे वो टी बराबर 2.1 हो, चाहे वो थ्री हो, चाहे 3.5 हो, हर जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt जीरो आ रहा है। तो यहाँ बताओ ज़रा टी बराबर थ्री पर वेलोसिटी मतलब स्लोप कितना आ रहा है, जीरो। तो इस सवाल का दोनों आंसर क्या है, जीरो जीरो, राइट। तो इस तरीके के सवाल हमसे एक्स टी ग्राफ से जुड़े हुए सवाल वो हमसे पूछते हैं। अब आप हेड डालिए बी टी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम लोग यहाँ से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले उसका स्लोप देखेंगे और फिर उसके एरिया की भी बात करेंगे, क्योंकि सवाल मिक्स होते हैं, स्लोप और एरिया को मिलाकर के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीटी ग्राफ में। तो देखते हैं जरा, देखिए भाई अगर हम बात करें बी टी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अब हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो सबसे पहले तो हम स्लोप की बात करेंगे। तो मान लो हम तुमसे कहें हमारे पास ये कोई जनरल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ध्यान से देखिए, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है मान लीजिए, ठीक। तो मैं तुमसे कहूँ इस ग्राफ में हम कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप अगर हम आपसे पूछें, याद करो जब एक्स टी ग्राफ हमने लिया था कल, तो किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और वो बना था एवरेज वेलोसिटी। किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बना था डीएक्स अपॉन डीटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ हम बात करें तो हमने एक टाइम लिया देखो t1, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ वेलोसिटी लिया v1, और ये कोई पॉइंट हो गया a पॉइंट, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पर एक टाइम हमने लिया t2, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमने वेलोसिटी ली v2, और ये कोई पॉइंट है b पॉइंट, ठीक। ध्यान समझना, मैं तुमसे कहूँ a और b को अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे, तो इस ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप, ये जो ज्वाइनिंग लाइन आया है, इस ज्वाइनिंग लाइन का अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप बताओ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक एंगल का टेन थीटा। तो बताइए ज़रा ये क्या लिखा है, ये लिखा है b2 - b1, ये क्या लिखा है t2 - t1। तो देखो मैं लिखने चला बी टी ग्राफ में स्लोप ऑफ कॉर्ड या ज्वाइनिंग लाइन, एक ही बात है, स्लोप ऑफ कॉर्ड या ज्वाइनिंग लाइन टेन थीटा इज इक्वल टू, तो बताओ टेन थीटा ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बनेगा b2 - v1 / t2 - t1, ये बन गया Δv / Δt। डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और ये बनता है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन।
तो ये बताओ हमारा रिजल्ट आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। तो अगर हमको कहीं कभी भी बीटी ग्राफ दिया जाए और बीटी ग्राफ में किसी टाइम इंटरवल के बीच में हमसे कह दिया जाए एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए, तो हम उन दोनों टाइम पर ग्राफ में जाएंगे और ज्वाइनिंग लाइन का जो स्लोप आएगा वो हमें इस टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा। राइट, अब समझिए। तो एक बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हमको बी टी ग्राफ दिया गया है तो बी टी ग्राफ में हम किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप देखेंगे वो स्लोप हमको दे देगा एवरेज एक्सेलरेशन। राइट, अब देखना सिमिलरली अगर हम बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, तो आपको मैंने पिछली क्लास में इतना तो हिंट कर ही दिया था कि जब भी ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप देखोगे तो ज्वाइनिंग लाइन हमेशा एक इंटरवल में होती है, वहाँ हमको एवरेज वैल्यू मिलती है, और जब भी टेंजेंट देखेंगे तो टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे होता है और पॉइंट पे जो डिस्कशन होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा। तो ज़रा देखना, मैं तुमसे कहूँ कि हमारे पास ये मान लो कोई बी टी ग्राफ है, ये कोई बी टी ग्राफ है, ऐसे हमसे कहा जाए इस ग्राफ में हम कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, ऐसे मान लो ये टाइम है टी नॉट, इस टी नॉट पर हम ग्राफ में गए यहाँ पर और हमने यहाँ ड्रॉ किया ऐसे टेंजेंट, ऐसे, और इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक एंगल का टेन थीटा लूँगा मैं। तो ज़रा देखना, मैं तुमसे कहूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, तो आपने कहा टेन थीटा। अब बताओ बेटा ये टेन थीटा लिखा जाएगा डी वी अपॉन डी टी और ये बनेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किस टाइम पर, एट टी इक्वल टू टी नॉट, एट टी इक्वल टू टी नॉट। राइट, तो अगर हमें बी टी ग्राफ दिया गया है और किसी भी पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट का स्लोप देखना होगा तो उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप बनेगा डी वी वाई डी टी और वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन देखना होगा तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ले लेंगे बी टी ग्राफ में, और अगर हमें किसी इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन देखना होगा तो हम ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप ले लेंगे। राइट, ये दो रिजल्ट एकदम आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, अभी क्वेश्चन में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। राइट, अब देखिए यहीं पे, हालांकि हम आगे की क्लास में एरिया अंडर द ग्राफ पढ़ाएंगे लेकिन आज बीटी ग्राफ की बात हो रही है तो हम इसका एरिया यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिए एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हम लोग अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ये पहला ग्राफ होगा जिसका एरिया हम निकालने जा रहे हैं। राइट, तो ध्यान दीजिएगा जरा। तो आपको तरीका सीखना है कि एरिया हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आता है निकल के वो जनरली अच्छे स्टूडेंट को हमेशा याद भी रहता है। ठीक है, तो लेकिन पहले हम यहाँ पर रिजल्ट निकालते हैं जरा। एरिया ऑफ बी टी ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ बी टी ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, हम इस ग्राफ का एरिया देखने जा रहे हैं। तो आप एक जनरल ग्राफ ले लो कोई भी, ऐसे ध्यान से देखना, ऐसे ये मान लो वेलोसिटी है, ये मान लो टाइम है और ये मान लो ग्राफ है। हमसे कहा जाए इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का, मतलब टाइम एक्सिस के बीच का, हमको बेटा इतना एरिया ये पूरा कैलकुलेट करना है और हमको बताना है कि ये एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम एरिया कौन सा लेते हैं। एरिया हमेशा ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया ये वाला लिया जाएगा। राइट, तो देखिए अब ये एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, तो देखना ध्यान से हम कैसे निकालते हैं एरिया। ये जो हमें कर्व दिया गया है ये वास्तव में वेलोसिटी का फंक्शन है किसके साथ, टाइम के साथ।
तो ये ना तो ट्रायंगल है, ना सर्कल है, ना रेक्टेंगल है, कोई वेल नोन ज्योमेट्री नहीं है, हम इसका एरिया डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं। तो बेसिक तरीका हमने आपको जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से जनरल टी पे जाएंगे और जनरल टी पे जाके हमने देखा कि यहाँ की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मान लो वी है। इसके बाद हमने कहा कि अब हम अगले इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आगे बढ़ेंगे और इनफाइनाइट स्मॉल टाइम को हम लोग बोलते थे डीटी, और मैं कह रहा हूँ इस डीटी के अंदर ये जो वेलोसिटी है ये भी लगभग वी है, तो बताओ इतने एरिया को हम लोग एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया मान लेंगे, राइट। मैंने क्या करा, जनरल टाइम टी पर जा करके अगले इन्फाइनाइट स्मॉल डी टी में हमने देखा कि वेलोसिटी में ना के बराबर चेंज हुआ, वेलोसिटी लगभग कांस्टेंट है। तो बताओ जरा जो वेलोसिटी यहाँ थी वही यहाँ है, तो इतने एरिया को क्या मैं एक रेक्टेंगल मान लूँ, तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया इसे हम लोग लिखेंगे डी ए। डी ए मतलब डिफरेंशियल एरिया, डिफरेंशियल एरिया का मतलब होता है इनफाइनाइट स्मॉल एरिया। क्यों इनफाइनाइट स्मॉल बोल रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट स्मॉल थिकनेस का एरिया ले रहे हैं तो इसका टोटल एरिया में कंट्रीब्यूशन भी इनफाइनाइट स्मॉल जैसा होगा। तो बताओ वो डी ए एरिया क्या लिखा जाएगा, वी इंटू डी टी, वी इंटू डी टी, और वी को बताओ हम लोग क्या लिखेंगे। देखो ये एरिया कैसे आ गया, ये वेलोसिटी है और ये थिकनेस डी टी है, तो रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वी डी टी। वी को बताओ हम लोग क्या लिखते थे, डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी, बताओ डी टी खत्म हो गया, डी ए इज इक्वल टू आ गया डी एक्स, डी ए इक्वल टू डी एक्स। ये बताओ डिफरेंशियल एरिया आया, यानी वी टी ग्राफ का डिफरेंशियल एरिया आ गया डी एक्स। तो अगर कोई कह नहीं हमें तो टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया विल बी कलेक्शन ऑफ सच डिफरेंशियल एरियाज। तो यहाँ पर एक डी टी की स्ट्रिप, यहाँ डी ए एरिया, ये डी ए एरिया, ये डी ए एरिया, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डी ए एरिया होंगे, हमें उन सारे डी ए एरिया को कलेक्ट करना है, कलेक्शन करना है, और उस कलेक्शन का नाम होता है इंटीग्रेशन। तो हम अगर टोटल एरिया निकालना चाहते हैं तो समेशन ऑफ सच डिफरेंशियल एरियाज, तो समेशन ऑफ डी एक्स, लिमिट लगा दी हमने x इनिशियल से x फाइनल। तो बताओ बेटा डी एक्स का इंटीग्रेशन x, और लिमिट बढ़ जाएगा x इनिशियल से x फाइनल। तो देखो टोटल एरिया बराबर, अब बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो ये बताओ एरिया हो गया हमारा डेल्टा x, जो कि हम लोग बोल रहे थे x फाइनल माइनस x इनिशियल, जिसे कह रहे हैं हम लोग चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को कुछ लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसी कुछ लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अच्छे समझ लीजिए, यानी बताओ रिजल्ट निकल के आ चुका है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, और इसी का नाम क्या है डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये तरीका है सही तरीका, पता है लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यूनिट का मल्टीप्लाई कर लो एरिया का आइडिया लग जाएगा, वो तरीका नहीं है, वो एक गैस करना है कि इस ग्राफ का एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा, वो एक अनुमान लगाने जैसा है जिसमें गलती भी होती है, अभी मैं करके दिखाऊंगा गलती होगी। देखो क्या करते हैं, गैस करते हैं, कैसे गैस करते हैं, मैं यहाँ लग दे रहा हूँ गैस, कैसे गैस करना है इस बात को जरा समझिएगा, राइट। तो गैस करते हैं, कहते हैं यार ऐसे समझो कि ये रेक्टेंगल हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई, समझना ध्यान से, ये मैं कह रहा हूँ स्क्वायर हो तो साइड इंटू साइड, कुछ भी हो यार, कोई भी ज्योमेट्री हो, कोई भी ज्योमेट्री हो, मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल हो तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो कोई भी ज्योमेट्री होगी ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट मल्टीप्लाई ही तो होंगी। तो ये गैस करना ये कोई मेथड नहीं है, इसमें गलती होती है, गलती होती है, मैं अभी करके दिखाऊंगा आगे। तो आप बस ऐसे समझिए गैस करना एक अनुमान लगाने जैसा है, कहते हैं कि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, बताओ इसकी यूनिट क्या मीटर पर सेकेंड, तो कहते हैं एरिया का अनुमान मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, ये आ गया मीटर, और मीटर से अनुमान लगा लिया डिस्प्लेसमेंट। बहुत खुश नहीं होना, मैं ऐसी बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, ये कोई मेथड नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है, ये तो केवल एक आइडिया लगाने जैसा है,
इसे मैं पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि ये आगे चल के एक्स ग्राफ में फेल कर जाता है। तो आपको तरीका समझना है, राइट। तो ये मेथड है। तो मैं अपनी बात को समराइज करने जा रहा हूँ कि बताइए वी टी ग्राफ का एरिया हमें देता है चेंज इन पोजिशन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब देखिए, अब अगर एरिया की बात यहाँ पे छिड़ गई है तो हम पूरा एरिया कवर ही कर दे रहे हैं, राइट। क्यों हम अलग अलग करें, तो आप लिखिए एरिया ऑफ ए टी ग्राफ। तो जितने भी ग्राफ के एरिया से हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है, हम वो सारे ग्राफ के एरिया यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं, राइट। उसके बाद हम फिर सवालों पे आते हैं। तो आप हेडिंग डालिए एरिया ऑफ ए टी ग्राफ। अभी हम इन सब पे सवाल करेंगे, हर एरिया पे सवाल भी होंगे। तो पहले तो हम आपको एरिया सिखा रहे हैं अलग अलग ग्राफ का। तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर कहीं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसका एरिया हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा, हम ये निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, मान लो हमारे पास ये कोई ए टी ग्राफ है, ए टी ग्राफ है ऐसे, ये मान लो ए टी ग्राफ है। हमसे कहा जाए ये ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का हमको ये पूरा एरिया, इतना एरिया ये पूरा कैलकुलेट करना है। पहले तो एरिया समझ लो कौन सा लेते हैं। ग्राफ देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया लिया जाएगा। अब ये एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, हम ये निकालने जा रहे हैं। तरीका वही, जनरल टी पर गए, जनरल टी पर जाके क्या देखा कि यहाँ का एक्सेलरेशन ए है, अगले dt टाइम में, बहुत ही इन्फाइनाइट स्मॉल टाइम है बेटा ये, तो मैंने बहुत बड़ा टाइम इंटरवल दिखा दिया तो मैं ताकि दिखाई दे, ये वास्तव में टेंडिंग टू जीरो है। तो इस टाइम पर भी हमने देखा कि एक्सेलरेशन बेटा यही आ रहा है, इसका मतलब इतने एरिया को, ये जो एरिया है, इतने एरिया को मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कहने जा रहा हूँ, और इस एरिया को मैं नाम दूंगा dA, और वो होगा बेटा adt। देख लो यार, ये रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल बन गया, इसमें ये कितना है dt है, ये हाइट कितनी है a है। तो बताओ इस इतनी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया हो जाएगा a dt, सिंपल। अब बताओ a की वैल्यू dv by dt into dt, dt से dt ख़त्म, dA आ गया हमारा dv। बताओ dA अगर dv आ गया, अगर हमको टोटल एरिया चाहिए तो समेशन ऑफ सच डिफरेंशियल एरियाज, समेशन ऑफ डी वी, लिमिट बढ़ जाएगा वी इनिशियल से वी फाइनल। बताओ डी वी का इंटीग्रेशन वी बनेगा और लिमिट बढ़ेगा वी इनिशियल से वी फाइनल, तो लिमिट डाल दो जरा। तो ये आ गया अपर लिमिट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और ये बताओ बेटा क्या बन गया, ये बन गया चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा बी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं अपनी बात को समराइज कर रहा हूं, बी टी ग्राफ का एरिया आया था चेंज इन पोजिशन, ए टी ग्राफ का एरिया आया चेंज इन वेलोसिटी, राइट। अब जो लोग गैसिंग वाले हैं वो गैस करते हैं, कैसे करते हैं देखना, गैस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, कहते हैं देखो इसका यूनिट, तो कह रहे हैं इसका एरिया इस तरीके का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं इसके एरिया की यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, और मीटर पर सेकेंड होगी तो ये कहते हैं वेलोसिटी के जैसा कुछ। अब वेलोसिटी के जैसा कुछ मतलब कंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो फिर वो कहते हैं कि एरिया पॉइंट का थोड़ी होता है, एरिया तो हमेशा इंटरवल में आएगा, तो फिर वो कहते हैं कि इंटरवल में डिस्कशन हमेशा चेंज का होगा। तो फिर वो अपनी बात को रखने के लिए कह देते हैं कि वेलोसिटी आया मतलब चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर भी वो सफल हो जाते हैं, उनका यहाँ पे भी अनुमान चल जाता है। लेकिन ये मेथड नहीं है, ये केवल अनुमान लगाने जैसा है, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। अब देखिए जरा, अब अगला ग्राफ एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ, वहाँ पे देखना ये अनुमान फेल कर जाएगा। तो चलिए अगला मैं लिखने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ।
तो पहले मैं सारे ग्राफ के एरियाज को एक साथ कलेक्ट कर दे रहा हूं, फिर सबके सवाल अभी आएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं एरिया ऑफ ए वर्सेस एक्स ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इसका एरिया मैं बताने जा रहा हूं। देखिए आप कहेंगे सर बहुत आसान है हमारे लिए, इधर ए इधर एक्स, और ये मान लो कोई ग्राफ है, हमको ये ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का इतना एरिया इकट्ठा करना है और पता करना है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनने वाला है। तो अपना वही तरीका, जनरल एक्स पर गए, जनरल एक्स पे गए, हमने देखा कि यहाँ का एक्सेलरेशन ए है, फिर अगले डी एक्स गए और मैंने कहा ये डी एक्स इतना छोटा है, इनफाइनाइट स्मॉल है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, इतने एरिया को नाम दिया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया और उसको बोला डी ए, और डी ए बन गया ए डी एक्स, ए को लिखा मैंने वी डी वी वाई डी एक्स, वी डी वी वाई डी एक्स इंटू डी एक्स। देख लो भाई, हमने ए को लिख दिया वी डी वी वाई डी एक्स, तो यहाँ से बताओ डी ए विल बी इक्वल टू वी डी वी आ गया बेटा, वी डी वी आ गया। अब बताओ अगर हमें टोटल एरिया चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे डी ए को इकट्ठा कर लो, इंटीग्रल ऑफ वी डी वी, लिमिट लगा दो वी इनिशियल से वी फाइनल, तो इसका एरिया देखो क्या आ गया, वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट बढ़ गया वी इनिशियल से वी फाइनल, अपर लिमिट वी फाइनल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट वी इनिशियल स्क्वायर बाई टू, ये आ गया एरिया। यानी देखो ए एक्स ग्राफ का एरिया क्या आया, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन टू, ये आ गया हमारा ए एक्स ग्राफ का एरिया, राइट। अब जो गैस करने वाले लोग हैं, जो अनुमान लगाने वाले लोग हैं, लिख दे रहा हूँ मैं अनुमान, अनुमान लगाने वाले लोग कैसे वो अनुमान लगाते हैं जरा समझना, कैसे दिमाग में रखते हैं वो कहते हैं इसका यूनिट मल्टीप्लाई करो, बताओ इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट मीटर, तो ये क्या आया मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो बेटा ये तो वेलोसिटी स्क्वायर आ गया। अब तुम क्या बोलोगे कि ए एक्स ग्राफ का एरिया वेलोसिटी स्क्वायर, चलो और अनुमान लगाओ, तो तुम कहोगे एरिया सर इंटरवल में होता है, तो तुम कह दोगे नहीं सर ये ऐसा है वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी स्क्वायर हो सकता है भाई, हमने चलो ये भी मान ली, लेकिन इस टू का क्या हाल है, टू के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्यों, क्योंकि इस टू का कोई यूनिट नहीं और तुम कर रहे हो मल्टीप्लाई यूनिट को, तो तुम्हें तो यूनिट मिला है और ये टू तो एक कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट है नहीं, तो वो तुम्हारे उस अनुमान में पकड़ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इस मेथड को करते हैं आज रिजेक्ट, और हमेशा कोई भी ग्राफ हो उसका एरिया आप तुरंत ऐसे निकाल लीजिए, एक मिनट भी नहीं लगता है, आई थिंक क्लियर। अब देखिए एरिया ऑफ, अगला लिखें एरिया ऑफ वन अपॉन ए वर्सेस बी ग्राफ, एरिया ऑफ वन अपॉन एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, तो मैं इसे रब करने जा रहा हूं, तो ध्यान देना मैं तुमसे कहूं एरिया ऑफ वन अपॉन एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, वन अपॉन एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ का एरिया, तो देखना भाई यहां पर वन अपॉन एक्सेलरेशन है, यहां वेलोसिटी है, इस ग्राफ का हमको एरिया निकालना है ऐसे ऐसे, तो ये ग्राफ और ये वेलोसिटी वाली एक्सेस इसके बीच का एरिया, तरीका वही, यहाँ से जनरल वी पर जाएंगे और बोलेंगे कि यहाँ की जो हाइट है मतलब वन अपॉन ए,
वो अगले डीवी में चेंज नहीं हो रहा है। ये वाली हाइट भी लगभग वही, इतने एरिया को हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कहा। तो ये एरिया बेटा आएगा डी ए और ये बनेगा वन अपॉन ए इंटू डी वी। तो ये देखो डी ए बराबर ए को लिखो डी वी बाई डी टी, तो ये बन गया डी टी अपॉन डी वी और मल्टीप्लाई में डी वी। तो बताओ डी वी खत्म हो गया, डी ए बराबर डी टी आ गया बेटा, ये आ गया डिफरेंशियल एरिया। अगर हमको टोटल एरिया चाहिए तो इंटीग्रल ऑफ डी ए इंटीग्रल ऑफ डी टी और लिमिट लग गया टी इनिशियल से टी फाइनल, तो डी टी का इंटीग्रल टी और लिमिट डालेंगे टी इनिशियल से टी फाइनल, लिमिट डालो तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ये बन गया डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मतलब है या तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को चेंज इन टाइम कह दो, चेंज इन टाइम कह दो, या फिर टाइम इंटरवल कह दो, एक ही बात है, चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। यानी बताओ वन अपॉन ए वर्सेस वी ग्राफ का एरिया हमको दे देगा टाइम इंटरवल डेल्टा टी और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो अब हम अपनी बातों को जरा समराइज कर दें। हमने अभी अभी चार ग्राफ के एरिया पढ़े, एक बी टी ग्राफ का एरिया वो आया था डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे, फिर आया था ए टी ग्राफ का एरिया और ए टी ग्राफ का एरिया आया था डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फिर आया ए एक्स ग्राफ, ए एक्स ग्राफ का एरिया आया था वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई टू, और फिर आया हमारा वन अपॉन ए वर्सेस वी ग्राफ उसका एरिया आया डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। आई थिंक क्लियर। अब हम यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के न्यूमेरिकल पहले करेंगे, तो राइट, तो आप हेडिंग डाल लीजिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो हमारे पास दो बातें हैं बी टी ग्राफ के लिए, बी टी ग्राफ का स्लोप आपने कहा सर डी वी बाई डी टी, किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। अगर एक इंटरवल में ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप लेंगे तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा, और बी टी ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा, राइट। तो चलिए अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर फोर। आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर फोर आपके असाइनमेंट में कह रहे हैं ग्राफ सोन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बिटवीन स्कूटर एंड कार, एक ग्राफ स्कूटर के लिए एक ग्राफ कार के लिए, करंट आफ्टर 8 सेकेंड फाइंड सेपरेशन बिटवीन कार एंड स्कूटर आफ्टर 8 सेकेंड, कह रहे 8 सेकेंड के बाद स्कूटर और कार के बीच का सेपरेशन आपको बताना है, और सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड टाइम एट विच स्कूटर ओवरटेक दी कार। ध्यान दो सवाल कुछ ऐसा, पहले तो हम आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहे हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है। बताओ कार के लिए ये ग्राफ है ऐसे, ये कार का ग्राफ है और यहाँ पे लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा स्कूटर का ग्राफ इसी में दिया गया है, कहो तो हम अलग से दिखा दें, अलग से दिखा दें, राइट, इसी में दिया, मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ ऐसे, दोनों को एक ही में दिया बेटा, मैंने अलग कर दिया उसको। ये देखो स्कूटर का ग्राफ है ऐसे और यहाँ लिखा है 8 सेकेंड, और इस 8 सेकेंड पे यहाँ लिखा है 15 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिएगा ये कार का ग्राफ है, ये स्कूटर का ग्राफ, हालांकि ये ग्राफ इसी के साथ था हमने अलग कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब देखिए हमारा सवाल क्या, हमसे कह रहे हैं इन दोनों के बीच में सेपरेशन बताना है 8 सेकेंड के बाद, राइट। तो पहले तो एक काम करो इस ग्राफ को देख के मुझे क्लियर करो, कार के बारे में मैं कुछ बातचीत आपसे करना चाह रहा हूँ। बताओ कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हमेशा के लिए कांस्टेंट, 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन आपने कहा जीरो, कैसे, स्लोप देख लो बेटा, स्लोप एक्सेलरेशन स्लोप होगा और जिसे हम लोग बोलेंगे डी वी बाई डी टी, और बताओ बेटा क्या वो जीरो आ रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, यस।
हमें इस ग्राफ को देख करके इतनी बात तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, ये समझ लो। अब आओ इधर, यहाँ समझना, जीरो से एट सेकंड के लिए अलग बात होगी, जीरो से एट। क्यों जीरो से एट अलग बात होगी? क्योंकि ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा है और बाद में ये ग्राफ बदल गया है, तो बताइए क्या हमें अलग अलग टाइम के लिए बात करनी पड़ेगी? यस। तो देखो, जीरो से एट सेकंड तक अगर हम तुमसे कहें कि टी बराबर जीरो पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से शुरू हो रहा है। अब लेकिन बताओ टी इक्वल टू एट सेकेंड पे, आठ सेकेंड के बाद इसने अपनी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड कर ली, तो क्या बताओ इसने 8 सेकंड तक लगातार वेलोसिटी को बढ़ाया, तो क्या पक्का एक्सेलरेटर लिया होगा? ग्राफ कैसा? बीटी स्ट्रेट लाइन। बताओ स्ट्रेट लाइन का स्लोप डी वी वाई डी टी, बीटी ग्राफ का स्लोप, क्या ये कांस्टेंट आएगा टेन थीटा? तो बताओ ये टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 15/8, तो ये बताओ 15/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा स्कूटर का एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए, 8 सेकंड के लिए। अब देखना ये 0 से 8 सेकंड, अगर हम कहें टी ग्रेटर देन 8 सेकंड, बताओ 8 सेकंड के आगे, देखो 8 सेकंड के आगे, तो बताओ टी बराबर 8 पर इसकी स्पीड 15, 9 सेकंड पर स्पीड 15, 10 सेकंड पर स्पीड 15, यानी स्कूटर ने अपनी वेलोसिटी हमेशा के लिए 15 मीटर पर सेकंड कर ली और कांस्टेंट कर ली, और अब इसने एक्सेलरेटर लेना बंद कर दिया। तो इन दोनों ग्राफ को देख करके पहले इतनी बात आपके मन में आ जानी चाहिए, इनकी ज़रूरत भले ही हमें ना हो लेकिन ये दिमाग में जरूर आना चाहिए आपको कि इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता चल रहा है, राइट। अब सवाल तो एक लाइन का है, सवाल तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पहले ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ग्राफ से हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। अब आओ बेटा, पहला पार्ट है हमें सेपरेशन बताना है स्कूटर और कार के बीच का 8 सेकंड के बाद। तो यार बताओ किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का गैप 8 सेकंड के बाद का कैसे निकलेगा? तो हम ये बता करें कि 8 सेकंड में कार कितना आगे बढ़ा, और हम ये बता करें कि 8 सेकंड में स्कूटर ने कितना पीछा किया, तो बताओ उनके बीच का गैप आ जाएगा। तो बताओ ग्राफ कौन सा है, बीटी, बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 8 सेकंड यहाँ कहीं होगा, 8 सेकंड यहाँ कहीं होगा, ध्यान से देखना। तो 8 सेकंड पर हमारा ग्राफ ये, देखो ये यहाँ पहुँच गए, तो टी बराबर जीरो पर ग्राफ यहाँ है, 8 सेकंड पर ग्राफ यहां है, तो 0 से 8 सेकंड का ग्राफ ये है। तो क्या बताओ इतना एरिया, ये एरिया, इतना एरिया हमें देगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन 8 सेकंड। तो मैं तुमसे कहूं इन 8 सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विल बी इक्वल टू, तो आप कहोगे सर इतना एरिया। बताओ बेटा क्या ये एक रेक्टेंगल है? तो ये बताओ 10 × 8, तो ये बताओ 10 × 8, और ये आ गया बताओ 80 मीटर। इसका मतलब 8 सेकंड में जो कार है वो 80 मीटर आगे बढ़ा है। अब जरा स्कूटर से पूछा हमने कि तुम बताओ 8 सेकंड में तुमने कितना पीछा किया, तो इन 8 सेकंड, बताना ध्यान से, एस ऑफ स्कूटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूटर। तो बताओ टी बराबर जीरो पे ग्राफ ये और टी बराबर 8 सेकंड पर ग्राफ ये, तो हम एरिया लेंगे केवल ये ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का, ये एरिया आएगा बेटा, ये वाला एरिया आएगा। और ये एरिया बताओ ट्रायंगल है, तो हाफ, बेस कितना 8, हाइट कितना 15, तो ये बताओ आ गया 60 मीटर। तो बताओ 8 सेकंड में कार कितना आगे बढ़ा, 80 मीटर, स्कूटर ने कितना पीछा किया, 60 मीटर, तो बताओ इनके बीच का गैप 20 मीटर। तो बताओ इनके बीच का जो गैप होगा वो एस ऑफ कार माइनस एस ऑफ स्कूटर, तो बताइए जरा क्या ये 80 − 60, क्या 20 मीटर आंसर आ गया? पहले पार्ट का आंसर 20 मीटर है, और बताओ 8 सेकंड तक कौन आगे है, कार आगे है, स्कूटर पीछे है, कितना पीछे है, 20 मीटर, राइट। अब हम इसका करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट, ध्यान से देखिएगा सेकेंड पार्ट, ये मैं हटा दूं, ये मैंने समझाने के लिए केवल लिखा था, आप देखना जरा इसी में देखना बेटा, हमसे सवाल कर रहे हैं कितने टाइम के बाद स्कूटर ने कार को ओवरटेक करा,
जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें पता करना है कि स्कूटर ने कार को कितने टाइम के बाद ओवरटेक किया। ओवरटेक का क्या मतलब होता है? सेम टाइम पर, दोनों की पोजीशन सेम, सेम टाइम पर दोनों की पोजीशन सेम, मतलब जब कार यहाँ तो स्कूटर भी इसके बगल में होगा तभी तो ओवरटेक करेगा, राइट। तो जरा एक बार बताओ आप हमें, ओवरटेकिंग 8 सेकंड के पहले हुई कि बाद में? आपने कहा बाद में, पहले तो नहीं हो सकती। 8 सेकंड तक तो स्कूटर पीछे ही है, अभी अभी निकला, कितना पीछे? 20 मीटर। तो देखो भाई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग कंडीशन देखो मैं लिख रहा हूँ। ओवरटेकिंग के लिए जरूरी है जितना कार चले उतना ही स्कूटर चल जाए, दोनों की पोजीशन बराबर कर दी मैंने। अब ध्यान दो, कार का डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में, मैंने मान लिया ओवरटेकिंग टी नॉट टाइम के बाद हुआ, तो टी नॉट टाइम बेटा अब यहाँ कहीं होगा 8 सेकंड के आगे। तो ध्यान से देखना, टी नॉट टाइम अगर यहाँ कहीं होगा तो टी नॉट टाइम पर हम ग्राफ में गए यहाँ, तो टी बराबर 0 पे ग्राफ यहाँ है और टी नॉट टाइम पे ग्राफ यहाँ है, तो 0 से टी नॉट के बीच में पूरा एरिया, अब ये वाला एरिया भी आ जाएगा, ये भी पूरा एरिया। तो बताओ जरा टी नॉट टाइम में कार कितना चला? तो ये कह रहा 10 इंटू टी नॉट, ये हो गया कार का डिस्प्लेसमेंट टी नॉट टाइम में। स्कूटर से पूछा है तो ये कह रहा 8 सेकंड में तो हमने चला 60 मीटर, बचा अभी भी टाइम, टी नॉट टाइम यहाँ कहीं होगा, तो बताओ टी नॉट टाइम पर हमारा स्कूटर का ग्राफ यहाँ है, 8 सेकंड पे ग्राफ यहाँ है, तो बताओ 8 से T0 टाइम तक ग्राफ ये है, हमको इतना एरिया और निकालना पड़ेगा। तो बताओ स्कूटर का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 60 मीटर प्लस इतना एरिया, ये बताओ रेक्टेंगल है, ये 15 है और ये टी नॉट माइनस 8 है, तो बताओ ये आया 15 इंटू टी नॉट माइनस 8। बोलो भाई, ये मैंने स्कूटर का डिस्प्लेसमेंट निकाला है कितने टाइम में? टी नॉट टाइम के अंदर, और वो डिस्प्लेसमेंट कार के बराबर कर दिया। लेकिन हमने इसे टुकड़ों में क्यों करा? क्योंकि इसका ग्राफ वेरी करा है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ अलग है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ अलग है, तो 8 सेकंड में अलग डिस्प्लेसमेंट और टी नॉट माइनस 8 में अलग डिस्प्लेसमेंट, फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो भाई, यहाँ पर जरा सॉल्व करिए, मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्व करने में आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं। ये देखिए कितना आ रहा भाई, ये 60 बराबर 5 T0, तो बताओ टी नॉट की वैल्यू आ गई 12 सेकंड, यानी स्कूटर ने कार को 12 सेकंड के बाद ओवरटेक कर दिया। आई थिंक क्लियर, ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नाइन नंबर देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको किसी कार के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है और ये ग्राफ आधा सर्कल है ऐसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ लिखा है 2 सेकंड, ये 0 सेकंड और यहाँ लिखा है 1 मीटर पर सेकंड, राइट। सवाल समझ लो पहले अच्छे से, कह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज ए सेमी सर्कल, ये आधा सर्कल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहे हैं कौन से ऑप्शन सही होंगे, ठीक। पहला पार्ट इन्होंने कहा है कार मस्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, पहले समझ लीजिए कार, पहला ऑप्शन देखो, ये कह रहे हैं कार मस्ट मूव
इन सर्कुलर पाथ, जवाब दो ये सही या गलत, कार मस्ट मूव इन सर्कुलर पाथ। तो आप हमको बताओ ये सही है कि गलत है। बताओ बेटा बीटी ग्राफ क्या पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री होता है? नहीं। ट्रेजेक्ट्री कौन सा ग्राफ होता है? वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। तो बताओ ये ट्रेजेक्ट्री नहीं है अगर, तो ये पार्टिकल सर्कल में मूव नहीं कर रहा है। तो ये बताओ पहला ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है एक्सलरेशन ऑफ द कार इज नेवर जीरो। बताओ कह रहे हैं दूसरे पार्ट में कह रहे हैं एक्सलरेशन ऑफ द कार इज नेवर जीरो, क्या कार का एक्सलरेशन कभी जीरो नहीं हुआ? हुआ है। कितनी बार? एक बार। देखो कैसे, ये हमारा बीटी ग्राफ है, बीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सलरेशन। तो देखो यहाँ स्लोप ये होगा टेन थीटा वन, तो यहाँ एक्सलरेशन बेटा पॉजिटिव आएगा। यहाँ बताओ स्लोप डी वी बाई डी टी, एक्सलरेशन जीरो आएगा क्योंकि ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ स्लोप देखो, यहाँ स्लोप अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एंगल ग्रेटर देन 90 आएगा, यहाँ स्लोप एक्सलरेशन होगा और वो बताओ टेन थीटा, और थीटा 90 से बढ़ा तो ये नेगेटिव आएगा। तो क्या एक्सलरेशन कभी जीरो नहीं हुआ? हुआ है। कितनी बार? एक बार। और कोई तुमसे कहे कब हुआ तो बताओ, वो टाइम भी हमें पता है 1 सेकेंड। तो आपका आंसर होगा एक्सलरेशन इज जीरो ओनली एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, एक सेकेंड के बाद एक्सलरेशन जीरो। कह रहा मीन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज पाई बाई 4 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। तो पहले एक बात बताओ, इस ग्राफ को देख करके जरा हम ये देख लें कि पार्टिकल, या एक बहुत आसान है, बताओ ग्राफ कौन सा है? बी टी ग्राफ। इसका एरिया क्या देगा? चलो ऐसे कर लो, एरिया बोलो जल्दी से, एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताऊँ, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट है, कितना एरिया आएगा? ये एरिया ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का इतना एरिया। क्या बेटा ये आधा सर्कल है? और ये आएगा बताओ हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो बताओ पाई आर कितना? 1 का स्क्वायर बाई 2। तो बताओ ये आ गया पाई बाई 2 मीटर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। जरा जवाब दो, क्या इस सवाल में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग है कि बराबर है? अलग अलग की बराबर। तो आप कहोगे बराबर, क्यों? पूरा का पूरा एरिया पॉजिटिव आ रहा है, और अगर पूरा एरिया पॉजिटिव है इसका मतलब पार्टिकल लगातार राइट ही गया है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब वो लगातार राइट गया, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता तो बैक होता, लेकिन यहाँ बताओ पार्टिकल बैक नहीं हुआ है। तो बताओ जो डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस, और ये बताओ हमारा डिस्टेंस आ गया। तो अगर हम कहें आपसे एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो बताओ बेटा डिस्टेंस कितना? पाई बाई 2 मीटर, टाइम कितना? 2 सेकेंड। आंसर होगा पाई बाई 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई एवरेज स्पीड, और यही होगी एवरेज वेलोसिटी, राइट। हमसे वो कह रहे हैं कार मेक्स ए टर्न वंस ड्यूरिंग इट्स मोशन, क्या कह रहे हैं? रास्ते में कार ने एक बार टर्न लिया है। तो जरा हम आपको समझा दें, बहुत बढ़िया समझिएगा, पहले इतना नोट करिए फिर हम आपको समझाएं, क्या रास्ते में कार ने एक बार टर्न लिया है? देखिए जरा, इसी को मैं थोड़ा सा और बढ़िया से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए कि क्या हुआ है। देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा, मैं ये ग्राफ फिर से बना रहा हूँ, ये ग्राफ मैं फिर से बनाऊँगा। मैं इसे फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपको एकदम फील हो जाए, हर बात का जवाब मिल जाए। ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये ग्राफ ऐसे था, यहाँ लिखा था 2 सेकेंड, और यहाँ पे लिखा था 1 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम था 1 सेकेंड, राइट। चलिए ये आधा सर्कल था,
मैं तुमसे कहूँ इस ग्राफ से जरा पार्टिकल को देखिए, तो बताओ टी बराबर जीरो पे देखा, टी बराबर जीरो पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। बताओ ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी कितनी? जीरो। तो क्या ये पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा है? आपने कहा सर बिल्कुल। अब बताओ अगर कोई रेस्ट पे और उसे चलना है तो पक्का एक्सेलरेशन लिया होगा। तो देखो क्या यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एंगल टेन थीटा, क्या एक्सेलरेशन आएगा? और ये थीटा बताओ 90 से कम है, तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ प्लस की माइनस? प्लस। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो बताओ फोर्स कितना लग रहा है इस पर? बताओ एफ ए अगर पॉजिटिव है तो मैंने पढ़ाया था एफ बराबर एम ए, तो जिधर फोर्स होगा उधर ही ए होगा। अगर ए राइट है तो फोर्स भी किधर? राइट। ये बताओ ऐसे खड़ा था मैं, मान लो ऐसे रुका हुआ हूँ, मैं पार्टिकल हूँ, मान लो मैं रुका हूँ, फोर्स किधर लग रहा है? राइट। तो बताओ ये राइट चलने लगेगा और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, कब तक? जब तक कि फोर्स इसके मोशन के फेवर में होगा। जरा देखना यहाँ पर ये एंगल इससे कम हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन लगातार घट रहा है, लेकिन वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी। और जब हमने एक सेकंड के बाद देखा तो इसकी वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम हो गई, और कितनी हो गई? 1 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जाकर के इसने कहा कि मेरा स्लोप एक्सेलरेशन क्या? जीरो। तो यहाँ जाके एक्सेलरेशन घटते घटते क्या हो गया? जीरो। बहुत अच्छे समझ लें, 0 से 1 सेकंड तक पार्टिकल लगातार राइट जा रहा है, अपनी बताओ स्पीड को घटाते हुए जा रहा है। इसका एक्सेलरेशन बताओ पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन घट रहा है लेकिन स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि पार्टिकल बताओ राइट जा रहा है, फोर्स भी किधर लग रहा है? राइट। लेकिन वो फोर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन पार्टिकल रफ्तार पकड़ता जा रहा है, और यहाँ पहुँचने पर उसकी रफ्तार क्या हो गई? मैक्सिमम। अब देखना आगे की स्टोरी। इसने कहा सर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करिए और ये देखिए एंगल, क्या ये 90 से बढ़ा रहा है? तो यहाँ बताओ टेन थीटा की वैल्यू, इसी का नाम एक्सेलरेशन, और ये नेगेटिव। तो बताओ अब इसने कहा कि मेरे ऊपर फोर्स लेफ्ट लगने लगा, वेलोसिटी किधर है? राइट। फोर्स किधर है? लेफ्ट। तो ये जाएगा किधर? राइट। लेकिन स्पीड घटती जाएगी और ये राइट जा रहा है और घटते घटते इसने अपनी स्पीड क्या कर ली? जीरो। और यहाँ देखो जरा ऐसा होने में टाइम लग गया 2 सेकंड। तो मुझे जवाब दे दो, पूरे 2 सेकंड तक पार्टिकल लगातार कहाँ गया है? राइट साइड। उसने रास्ते में कहीं टर्न नहीं लिया है, तो लास्ट ऑप्शन जो था वो कह रहे थे क्या ये पार्टिकल रास्ते में एक बार घुमा है? तो आपका जवाब है नहीं घुमा है। राइट। ये पार्टिकल लगातार किधर गया? राइट। बताओ इसका जो एक्सेलरेशन है वो रास्ते में कितने बार जीरो हुआ? तो आपका जवाब है केवल एक बार जीरो हुआ है, वो भी टी बराबर 1 सेकंड पर। राइट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्यों है? क्योंकि लगातार वो राइट जा रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है। आई थिंक क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए, इसे रब कर दें। 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा फिगर शोज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। हमें बताइए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ दिखाई गई है, ऐसे ध्यान से देखिए ऐसे, और ये ग्राफ ऐसे दिया है यहाँ से, ये माइनस बी नॉट से ग्राफ शुरू हो रहा है और ऐसे गया स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर टाइम लिखा है कैपिटल टी और यहाँ पे टाइम लिखा है 2T और यहाँ पे वेलोसिटी लिखी है प्लस का बी नॉट। तो हम ऑप्शन में जाने से पहले हम पहले इस ग्राफ की पूरी एनालिसिस करने जा रहे हैं। राइट। ध्यान से देखना, ऑप्शन तो हम कर ही लेंगे, पहले हम एनालिसिस कर लें। ध्यान से देखना, टी बराबर जीरो पर जवाब दो, टी बराबर जीरो पर इसकी वेलोसिटी कितनी? टी बराबर जीरो पर अगर हम आपसे कहें इसकी वेलोसिटी, तो बताओ टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी कितनी? माइनस बी नॉट।
तो बताओ टी बराबर जीरो पे अगर वेलोसिटी माइनस वी नॉट है तो माइनस वेलोसिटी के माइनस होने का मतलब वो पार्टिकल किधर जा रहा है, तो आपका जवाब है लेफ्ट साइड। तो ध्यान से देखना अगर हम आपसे कहें यहां पर ऐसे, जब हमने पहली बार देखा टी बराबर जीरो पर, ध्यान से देखिएगा, हमने जब इसको पहली बार देखा तो बताओ पहली बार देखा तो इसकी वेलोसिटी माइनस वी नॉट, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, तो इधर की तरफ बी नॉट है, माइनस नहीं लिख रहा, माइनस का मतलब लेफ्ट कर दिया मैंने। अब ध्यान देना, बताओ इसका स्लोप एक्सेलरेशन, और स्लोप बताओ ये स्ट्रेट लाइन है, चाहे आप स्लोप यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, क्या हर जगह बराबर होगा? तो इसका जो स्लोप आएगा बताओ वो टेन थीटा, क्या वो डी वी बाई डी टी, क्या वो एक्सेलरेशन बताओ कॉन्स्टेंट आएगा, और बताओ वो प्लस आएगा कि माइनस? तो आपका जवाब है प्लस, क्योंकि ये एंगल 90 से कम आ रहा है, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है। तो बताओ ए का साइन कैसा? पॉजिटिव। तो जवाब दो, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी है नेगेटिव, ए कैसा? पॉजिटिव। तो बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव, पार्टिकल लेफ्ट जा रहा है लेकिन इसकी स्पीड घट रही है, ये रिटार्डेशन महसूस कर रहा है, और बताओ कैपिटल टी टाइम पर जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो जब हमने यहाँ देखा टी बराबर कैपिटल टी पर, ये पार्टिकल बोला मैं रुक गया, बताओ ये परमानेंट रुका कि एक इंस्टेंट के लिए रुका? तो आपने कहा सर ये एक इंस्टेंट के लिए रुक गया। अब देखना यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, अब इसकी वेलोसिटी प्लस में बढ़ रही है, तो ये बताओ पार्टिकल यहाँ से बैक हुआ। अच्छा एक बात और बताओगे, ये यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर आया? अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो ग्राफ कौन सा? बीटी ग्राफ। बीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का ये ग्राफ और ये एक्स एक्सिस, इतना एरिया ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये एरिया बेटा ट्रायंगल है, तो हाफ बेस टी और हाइट है माइनस बी नॉट। तो ये देखो माइनस बी नॉट टी बाई टू, और माइनस बता रहा है कि लेफ्ट साइड, तो ये बताओ एस बी नॉट टी बाई टू लेफ्ट साइड, ये माइनस बता रहा लेफ्ट। ओके अब आओ टी बराबर कैपिटल टी पर जीरो वेलोसिटी, यहां से देखो अब बताओ यहां एक्सेलरेशन प्लस, बताओ ये जो एक्सेलरेशन था वही एक्सेलरेशन अभी भी है, बताओ वेलोसिटी लेफ्ट थी, ए किधर था? राइट साइड, ये ए हमारा राइट था, तो एक्सेलरेशन प्लस, बताओ एक्सेलरेशन नहीं बदला, एक्सेलरेशन प्लस, ये पार्टिकल लौटा, और बताओ टी बराबर टू टी पर, टी बराबर टू टी पर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी प्लस का बी नॉट, राइट साइड बी नॉट हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना वापस आया? तो बताओ ये बी टी ग्राफ का एरिया, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये एरिया आएगा हाफ बेस बोलो टी, हाइट बोलो बी नॉट, बी नॉट टी बाई टू। तो क्या बताओ ये जितना गया उतना ही वापस आ गया? तो बताओ डिस्प्लेसमेंट जीरो, वो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो चाहो तो चेक कर लो टोटल एरिया, बताओ बीटी ग्राफ का एरिया, टोटल एरिया, बताओ टोटल एरिया जितना माइनस बी नॉट टी बाई टू था उतना ही प्लस बी नॉट टी बाई टू था, क्या बताओ ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा? और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना आ रहा है? जीरो, राइट। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बात जानना चाहता हूं, यहां से लेके यहां तक यानी जीरो से लेके टी तक जो ए बताओ पॉजिटिव है, बताओ वो रिटार्डेशन का काम कर रहा है, वही ए लौटते समय एक्सलरेशन का काम कर रहा है, बस इतना बता दो क्या पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, क्या उस नेट फोर्स ने अपनी डायरेक्शन बदली? कोई तुमसे कहे बताओ पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या डायरेक्शन बदला? आपका जवाब होगा नहीं बदला। वो ए देखो पहले भी प्लस था लेकिन वो रिटार्डेशन कहा जा रहा था क्योंकि वो हमारे वेलोसिटी के अपोज में था, लौटते समय वही ए पॉजिटिव पुराना वाला ही है लेकिन अब वो मेरे वेलोसिटी के फेवर में आ गया है, हम उसे नाम क्या देंगे? एक्सेलरेशन। तो फोर्स ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली, क्या पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन बदली? यस, पहले वो कहाँ जाता रहा? लेफ्ट, वापस आने लगा राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया? जीरो। अब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, हर ऑप्शन का जवाब आपके पास होगा। पहला ऑप्शन,
पार्टिकल चेंजेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट सम पॉइंट, क्या पार्टिकल ने मोशन का डायरेक्शन कहीं बदला है? यस, कहां पे बदला है? टी बराबर कैपिटल टी पर, वो लेफ्ट की बजाय राइट बैक हुआ है। पहला पार्ट सही। दूसरा पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेंस कॉन्स्टेंट, क्या इस ग्राफ में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है? यस। बीटी ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेशन कैसा है? कॉन्स्टेंट। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, क्या इस ग्राफ का एरिया जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? जीरो। चाहो तो देख लो, जितना वो लेफ्ट गया उतना वापस राइट आया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बराबर हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या? जीरो। आई थिंक क्लियर। लास्ट ऑप्शन, इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर सेम, तो बताओ क्या पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल स्पीड बराबर है? इनिशियल स्पीड कितनी थी? वी नॉट। फाइनल स्पीड कितनी? वी नॉट। क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो बताओ क्या इस सवाल के चारों ऑप्शन सही हैं? यस, ऑल आर करेक्ट। अच्छा, अगर वो ये कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो बराबर नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होता है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट लेफ्ट है, माइनस वी नॉट है, और वापस आते समय प्लस वी नॉट है, वेलोसिटी बराबर नहीं है, लेकिन स्पीड बराबर है। तो इस सवाल के चारों ऑप्शन सही, और ये सवाल हमने करा, यहां से एक बात हमने और सीखी। देखो क्या, एक बात बताओ बेटा, ये एरिया कैसा था? नेगेटिव। ये एरिया कैसा था? पॉजिटिव। टोटल एरिया कितना आया? जीरो। आपने कहा सर बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है, लेकिन अगर हम तुमसे कहें डिस्टेंस कितना है, तो तुम कहोगे बी नॉट टी बाई टू जाना, वो बी नॉट टी बाई टू आना, यानी बताओ बी नॉट इन टू टी टोटल डिस्टेंस हुआ। इसका मतलब समझना, इसी ग्राफ के एरिया को अगर हमें डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, तो बताओ वो कैसे कन्वर्ट होगा? तुम कहोगे ये वी नॉट टी बाई टू तो है ही प्लस, बस ये माइनस वाला चला जाए ऊपर, तो यहाँ अगर ये प्लस में आ जाए, तो बताओ ये एरिया और ये एरिया मिलके हमें डिस्टेंस बन जाएगा। तो एक बार बताओ यहाँ अगर ये ग्राफ ऊपर चला जाए, तो ये एरिया और ये एरिया बताओ डिस्टेंस बन जाएगा, और डिस्टेंस होता है एरिया किस ग्राफ का? स्पीड वर्सेस टाइम। डिस्टेंस बताओ एरिया होता किस ग्राफ का? स्पीड टाइम ग्राफ। इसका मतलब सुनो, अगर हम इस ग्राफ को यहाँ ऊपर बना दें, नीचे वाले ग्राफ को ऊपर ले जाएं, तो पूरा एरिया डिस्टेंस आएगा, और वो डिस्टेंस हमारा बताओ एरिया होगा स्पीड वर्सेस टाइम का। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो जो ग्राफ वेलोसिटी का टाइम एक्सिस के नीचे है, उसे टाइम एक्सिस के ऊपर ले जाओ, आपको मिल जाएगा वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम ग्राफ। तो हेडिंग डालिए कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ। हेडिंग डालिए कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ, राइट। तो देखिए जरा, तो हेडिंग डालिए कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी टाइम इनटू स्पीड टाइम ग्राफ। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और फिर हम इस पे एक दो सवाल भी करेंगे, राइट। तो जरा ध्यान से देखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तरीका समझिए, हालांकि मैं बता चुका हूं कॉन्सेप्ट। मान लो हम तुमसे कहें ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, ऐसे देखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मान लीजिए ऐसे ग्राफ है, ऐसे है, मान लो ऐसे, ये टाइम है जीरो, और यहां पे मान लो लिखा बी नॉट, ऐसे कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं, केवल हम आपको तरीका समझाना चाह रहे हैं। ये टी वन, ये टी टू, और ये टी थ्री, और ये टी फोर, ठीक है। अब देखना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमें कन्वर्ट करना है स्पीड टाइम ग्राफ में। हमें क्या दिक्कत बताओ, एक बात बताओ, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस टेन, स्पीड प्लस टेन, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस एट, स्पीड प्लस एट, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो,
किसी पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस टू, स्पीड प्लस टू। बताओ वेलोसिटी माइनस टू का मतलब पार्टिकल लेफ्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन स्पीड तो मैग्नीट्यूड अकेला होता है। यानी बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जहां वेलोसिटी प्लस वहां स्पीड प्लस, जहां वेलोसिटी माइनस वहां स्पीड प्लस। इसका मतलब जो वेलोसिटी का ग्राफ इस टाइम एक्सिस के नीचे है हम उसको ले जाएंगे टाइम एक्सिस के ऊपर। तो हम बता क्या करेंगे, जो पार्ट टाइम एक्सिस के नीचे ये वाला पार्ट हम इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे और टाइम एक्सिस के ऊपर बना देंगे, तो हमें मिल जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। तो देखो बेटा ये वाला ग्राफ जब ऊपर जाएगा तो ऐसे बन के आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। तो देखो ये वेलोसिटी का था, मैं बनाने चला स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ऐसे लिख देंगे मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो ये बताओ जीरो से टी टू तक का ग्राफ, जीरो से टी टू तक का ग्राफ क्या बताओ, जो वेलोसिटी का था वही स्पीड का होगा, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हमें दिक्कत यहाँ है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको हम रिफ्लेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे। तो क्या बताओ इसकी मिरर इमेज ऐसे बन के आएगी, ये ऐसे बन के आ जाएगा, और ये टाइम हमारा T3 होगा और ये टाइम T4 होगा, और ये ग्राफ हमारा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बन के तैयार होगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे नोट लगा के, टू कन्वर्ट वेलोसिटी टाइम इनटू स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम इनटू स्पीड टाइम, वी टेक मिरर इमेज ऑफ ऑल नेगेटिव पार्ट ऑफ वेलोसिटी, वी टेक मिरर इमेज ऑफ ऑल नेगेटिव पार्ट ऑफ वेलोसिटी अबाउट टाइम एक्सिस। हम बताओ इस टाइम एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया, मन में लगाना है ये मिरर, हमने यहाँ मन में एक मिरर लगाया, ये ग्राफ जो नीचे था वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया, और हमें बताओ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिल गया स्पीड टाइम ग्राफ। तो तरीका क्या है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें पता है और स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो जो वेलोसिटी का ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे है हम उसका टाइम एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे, उसकी मिरर इमेज बना देंगे और हमें स्पीड टाइम ग्राफ मिल जाएगा। सुनना, इस ग्राफ का एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या बनता है डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ का एरिया। अच्छा देखो यहां पे ये एरिया प्लस ये एरिया माइनस, तो ये प्लस माइनस जब ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होकर के नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेकिन यहाँ बताओ ये एरिया प्लस और ये भी प्लस, क्योंकि पूरा ग्राफ ऊपर ही है प्लस का एरिया। तो बताओ यहाँ पे जो एरिया आएगा, तो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ये बताओ हमको दे देगा डिस्टेंस, ये हमको दे देगा डिस्टेंस, राइट right? तो ये बात भी समझ में आ गई कि अगर वेलोसिटी टाइम है तो उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर स्पीड टाइम हमने बना लिया तो उसका एरिया डिस्टेंस। और बताओ स्पीड टाइम का एरिया हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि पूरा ग्राफ हमेशा टाइम एक्सिस के ऊपर। अब बताओ किसी के मन में ये विचार आ रहा होगा क्या सर उल्टा कर सकते हैं, स्पीड टाइम दिया जाए वेलोसिटी टाइम कन्वर्ट करने को कहा जाए, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मान लो हम कहते हैं ये ग्राफ दिया है इसका आप वेलोसिटी टाइम खोजो, तुम कहोगे नहीं खोज पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये स्पीड प्लस है। अब मुझे नहीं पता कि जीरो से टी वन तक ये स्पीड अगर प्लस है तो बताओ वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। अच्छा ये देखो वेलोसिटी स्पीड प्लस है तो बताओ जीरो से टी टू में भी वेलोसिटी प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता, नहीं पता। तो हम स्पीड टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो वो हमसे पूछेंगे भी नहीं, राइट। चलिए सवाल करते हैं। तो आपकी सीट में क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बेटा, दो सवाल करेंगे 23 एंड 32।
23 नंबर और 32 नंबर दोनों सवाल अभी करेंगे। हटा दें इसको। देखिएगा भाई, हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 23 नंबर में सवाल पढ़ दे रहा हूँ। सवाल में कह रहे हैं ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखो ये मान लो ग्राउंड है, यहाँ से हमने किसी बॉडी को ऊपर फेंक दिया मान लो यू वेलोसिटी से, ठीक, अंडर ग्रेविटी। ऐसे कह रहे ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। इफ़ वी नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर, हमें एयर ड्रैग को कंसिडर नहीं करना है, केवल ग्रेविटी को लेना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम। हमसे कह रहे हैं इस पार्टिकल के लिए स्पीड टाइम ग्राफ बना करके दिखाइए, राइट। सवाल एकदम क्लियर होना चाहिए। हमने किसी पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी फेंका, हमसे कह रहे हैं इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ। मैं कहूँगा आप पहले बनाओ वेलोसिटी टाइम, फिर उसको कन्वर्ट कर देना स्पीड टाइम। तो देखो मैं करने जा रहा हूँ, बताओ ये ग्रेविटी, इसके लिए एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन। तो ये जाएगा ऊपर ऐसे, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि स्पीड जीरो ना हो जाए। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी नॉट लग गया और ये हाइट मान लो एच, तो जवाब देना क्या ये लौट के जब आएगा जीरो वेलोसिटी से फिर अंडर ग्रेविटी, तो बताओ एक्सलरेट करके आएगा और जब ये ज़मीन पे टकरा रहा होगा तो क्या यू से ही टकराएगा और वापस एच आने में क्या इसको फिर से टी नॉट टाइम ही लगेगा। आप कहोगे यस। मैं पहले बनाने जा रहा हूँ इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से देखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ बी टी ग्राफ। अगर हमें स्पीड बनाना होगा तो इसका मॉडुलस लेंगे। अब देखना वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, वेक्टर को ग्राफ में दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का ख्याल रखना है। तो हमने अपवर्ड को माना प्लस और डाउनवर्ड वेलोसिटी को माना माइनस, ध्यान से देखिएगा, ये हमने साइन कन्वेंशन ले लिया बेटा। तो बताओ यहाँ वेलोसिटी कितनी, प्लस, ऊपर की तरफ यू, तो प्लस यू से शुरू होगा ये प्लस यू, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। अब देखना जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ प्लस में और घटते घटते जीरो, तो ये बताओ घट के जीरो आना। अब जीरो तक आने के तीन तरीके, या तो ये ऐसे घटे, ध्यान से देखना, या ऐसे घटे या ऐसे घटे। अब इनमें से कोई एक सही होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, स्लोप। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक, बताओ जरा बी टी ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन, ग्रेविटी। बताओ वेरिएबल की कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो बताओ इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना है, और अगर स्लोप कांस्टेंट होना है तो ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ये दोनों ग्राफ खराब हो गए, बीच वाला हो जाएगा ये आ गया बेटा देखो ये, और ये टाइम हो गया हमारा टी नॉट। अब देख रहा है यहां से देखो, अब जीरो से जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ेगी और नेगेटिव में जाके माइनस ही हो जाएगी, और क्या यही लाइन आगे कंटिन्यू हो जाएगी। और यहां देखना जरा, ये हो गया माइनस यू और ये टाइम हो गया टू टी नॉट। बोलो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम यार, बताओ जब ये नीचे आ रहा तो वेलोसिटी डाउन है और डाउन में बढ़ती जा रही है, यानी माइनस में बढ़ती जा रही है, तो माइनस में बढ़ते बढ़ते यू हो गई। अच्छा बताओ इस ग्राफ का एरिया, ये वाला एरिया प्लस का एच, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट प्लस एच, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, तो ये एरिया माइनस एच। तो अगर हम कहें टोटल एरिया, टोटल एरिया, तो आप कहोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, और बताओ बेटा तुम्हारे हिसाब से वो कितना आना चाहिए, जीरो। तो ये जीरो आ गया, प्लस एच और माइनस एच मिलके जीरो हो गया।
बोलिए, अब मैं बनाने चला इसका स्पीड टाइम ग्राफ। ध्यान से देखना, स्पीड टाइम यहीं पे, यहां दिखा रहा हूं मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, यहां टाइम। तो ये बेटा स्पीड लिखा है, ये स्पीड। बताओ जीरो से टी नोट तक का जो ग्राफ है, बताओ इसमें कोई बदलाव करना है कि नहीं करना है? तुम कह रहे हो नहीं करना है, क्योंकि वेलोसिटी प्लस तो स्पीड भी प्लस, तो ये वाला ग्राफ सेम रहा। तो ये देखो प्लस यू से टी नोट तक का ग्राफ वही रहा, यहां दिखा देगा तो कंपेयर करके, ठीक। अब देखना ऐसे, अब देखिए यहां तक का ग्राफ हमने वही रखा, ये वाला जो ग्राफ है हमें इसमें दिक्कत है, क्योंकि ये वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं, तो इसको हमें ऊपर ले जाना। हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगाया मन में और इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसका बताओ मिरर इमेज ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, और ये देखो इसी के सामने प्लस यू तक जाएगा, और ये टाइम हो गया 2D नॉट। तो बेटा ये ग्राफ आ गया, देखो ये और ये पूरा ग्राफ आ गया किसका, स्पीड टाइम। अगर हम इसका एरिया लें तो ये एरिया देखो प्लस एच, ये वाला ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच, ये ग्राफ और ये एक्स एक्सिस, ये भी प्लस एच। बताओ इसका एरिया क्या देगा, डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आएगी प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच, मतलब 2h। और बात सही है, यहाँ h जाना और h आना, टोटल डिस्टेंस बताओ क्या 2h होगी, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब हम आखिरी सवाल आज की क्लास का करने जा रहे हैं, 32 नंबर। देखिए इसे रब कर दिया जाए, देखिए जरा, थर्टी टू नंबर में जरा आप सवाल पढ़ लो बेटा। सवाल में कह रहे हैं पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, कोई पार्टिकल एक्स के अलोंग मूव कर रहा है, सच दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स बराबर 4 - 2t + t²। ये पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है। कह रहे स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल वेरी विद टाइम, हमें इस पार्टिकल के लिए ग्राफ बनाने को कहा है, किसका, स्पीड का, किसके साथ, टाइम के साथ, और वो भी केवल 4 ऑप्शन में नेचर बताना, ठीक। तो हमने आपको कैसे कहा है, पहले हम बनाएंगे वेलोसिटी का ग्राफ, फिर उसे कन्वर्ट करेंगे स्पीड ग्राफ में। चलो भाई इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx/dt विल बिकम वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, तो ये -2 + 2t। तो बताओ वेलोसिटी का फंक्शन आ गया 2t - 2। ध्यान से देखना। तो अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो मैं तुमसे कहूँगा पहले एक काम कर लो, पहले वेलोसिटी का ग्राफ बना लो। तो देखना हम यहाँ पे वेलोसिटी, इधर टाइम, और फिर हम उसको स्पीड में कन्वर्ट करेंगे। तो थोड़ा एनालिसिस, t = 0 पर वेलोसिटी -2 m/s, ध्यान से देखिएगा, राइट। अच्छा अगर हम t को 1 सेकंड रख दें तो वेलोसिटी 0 आ रही है, और t को अगर हम 2 सेकंड रख दें तो बताओ वेलोसिटी +2 m/s आ रही है, ओके। अब देखना अगर हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनेगा a = dv/dt, और ये आ रहा है प्लस का 2 m/s². तो बताओ इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट। ये हमने निकाल लिया,
इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, देखो t बराबर जीरो पे वेलोसिटी माइनस टू, तो ग्राफ यहाँ कहीं से शुरू होगा, यहाँ कहीं से देखिएगा, यहाँ मान लो लिखा है माइनस टू मीटर पर सेकेंड, t बराबर जीरो पे ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। अब देखना एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी जीरो होनी है, ये वन सेकेंड। अच्छा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही क्यों जाएगा? क्योंकि बी टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, और वो यहाँ कैसा है? कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अब देखो t बराबर टू सेकेंड में वेलोसिटी प्लस टू, तो यही लाइन आगे कंटिन्यू हो जाएगी ऐसे, और ये देखो टू सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी प्लस टू, राइट? आई थिंक क्लियर। ये हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मैं बनाने चला स्पीड टाइम ग्राफ, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं इसी के नीचे बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये देखिए, ये मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, इसे हम लोग बोलते हैं स्पीड, और इधर दिखा रहे हैं टाइम। बताना जीरो से वन सेकंड का जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के नीचे है, बताओ इसमें बदलाव की ज़रूरत है? तो हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगाएंगे, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे, तो क्या इसकी मिरर इमेज यहाँ ऊपर आएगी? ऐसे तो ऐसे आएगी, तो ये ग्राफ देखो ऐसे आ गया। वन सेकेंड तक के लिए ये ग्राफ देखना, ये ग्राफ ऐसे आ गया, हमने इसका मिरर इमेज ले लिया, तो ये लिखा देखो टू मीटर पर सेकेंड, अब प्लस का हो गया, और ये बताओ टाइम हमारा वन सेकेंड हो गया। हमने वेलोसिटी से स्पीड में बनाया, तो जो ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे था वो ऊपर चला गया। अब बताओ ये वाला ग्राफ देखो, वन से टू सेकेंड का ग्राफ, ये टाइम एक्सिस के ऑलरेडी ऊपर है, इसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी प्लस स्पीड प्लस। तो आपने कहा सर ये वाला जो ग्राफ है वन से टू सेकेंड वाला, इसको सेम रखिए, और ये टाइम टू सेकेंड, और ये वाला जो ग्राफ बन के आया नीचे, ये ग्राफ बन के आ गया स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। जबकि बताओ ऊपर वाला ग्राफ किसका था? वेलोसिटी टाइम, ये वाला ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम। बताओ अगर हम यहाँ एरिया लें, तो ये एरिया बताओ निगेटिव आएगा, ये एरिया पॉजिटिव आएगा, ये एरिया निगेटिव, ये एरिया पॉजिटिव, तो बताओ इस ग्राफ का एरिया क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। जबकि यहाँ ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये एरिया लेते हैं हम लोग ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का, यहाँ बताओ पूरा एरिया पॉजिटिव आएगा, ये बनेगा डिस्टेंस। मान लो हम तुमसे कहें कि पहले दो सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कह दिया जाए पहले दो सेकंड में, तो बताओ ये एरिया कितना? हाफ वन इंटू टू, क्या ये माइनस वन आ रहा है? देख लो ये एरिया बताओ ट्रायंगल है, हाफ वन इंटू टू प्लस वन मीटर, तो बताओ ये आ गया माइनस वन मीटर प्लस वन मीटर, डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्या मतलब है इसका माइनस वन मीटर? यानी पहले पार्टिकल लेफ्ट वन मीटर आया, फिर वन मीटर राइट गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहाँ देखो ये एरिया प्लस वन मीटर, ये एरिया भी प्लस वन मीटर, तो अगर कोई हमसे कहे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, और ये बताओ प्लस वन प्लस वन, ये आएगा प्लस टू मीटर। आई थिंक क्लियर। तो हमने आज की क्लास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूरा डिटेल में एनालिसिस करा, हमने वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना सीखा, राइट? इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे। आप लोग कॉन्टैक्ट में रहें, लगातार टच में रहें, पढ़ते रहें। अगली क्लास में मैं फिर हाजिर होता हूँ, राइट?